गाइज आज हम एक मजेदार और धमाकेदार चीज बनाने वाले हैं। भाई देखो, वैसे तो आपने रॉकेट खरीदे ना, रॉकेट कितने रुपए के आते हैं यार? 10 रुपए का आता है, 20 रुपए का भी आता है। और भाई वो रॉकेट कितने ऊपर जाते हैं? ज़्यादा ऊपर तो जाते नहीं, लेकिन काफ़ी मजा देते हैं वाले रॉकेट। लेकिन भाई आज हम एकदम धमाकेदार रॉकेट बनाने वाले हैं। भाई एक ऐसा रॉकेट बनाने वाले हैं यार जो कि नॉर्मल रॉकेट के मुताबिक यार काफ़ी दूर जाएगा, काफ़ी दूर जाने वाला है। लगभग यार 1500 फीट के ऊपर तो आराम से चले जाएगा यार। तो फटाफट से करते हैं शुरू। अब देखो गाइस यार, हमें रॉकेट बनाने के लिए कुछ ना सामान की जरूरत पड़ने वाली है। देखो ये हमारे पास वो सारे सामान है जिनसे हम रॉकेट बनाने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास देखो ये रहा पोटेशियम नाइट्रेट के NO3, और हमारे पास शुगर ले रखी है हमने, और ले रखी है मुल्तानी मिट्टी, और वो रॉकेट की बॉडी से तो हम रॉकेट बनाने वाले। तो देखो ये कुछ सामान से हम ईजिली रॉकेट बना लेंगे। तो ये बता दो करना है क्या अपने पास? देखो हमारे पास जो KNO3 है पोटेशियम नाइट्रेट गाइज, ये आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगा इजीली, नहीं तो मेडिकल पे ही मिल जाता है KNO3। इसे हिंदी का नाम है इसका कलमेश्वरा, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे पोटेशियम नाइट्रेट। चलो ये बता दिया मैंने आपको। और इसकी क्वांटिटी लेनी है हमको 35 ग्राम, 35 ग्राम है ये। अभी मैंने पहले वजन कर लिया है। और हमारे पास जो शुगर है, शुगर तो आपके घर में है ही यार, और शुगर हमारे पास कितनी चाहिए? शुगर हमें चाहिए 65 ग्राम। देखो 35 ग्राम हमारे पास KNO3 है और 65 ग्राम हमारे पास शुगर है, तो दोनों को मिला के 100 ग्राम का कॉम्बिनेशन बन जाता है। उसके बाद हमारे पास मुल्तानी मिट्टी चाहिए। तो फटाफट से करते हैं इसको बनाना शुरू। सो गाइस अभी अपने को करना क्या होगा? देखो जो हमारे पास शुगर है, शुगर के अंदर है और मैं KNO3 डाल देता हूँ, ठीक है? वैसे तो दोनों आपको मिक्सर की फॉर्म में नहीं मिलेंगे, आपको खुद ही मिलाने पड़ेंगे। ऐसे मिक्सर में पीस लेना है, मैंने पहले से पीस के रख लिया। आप दोनों को यार अच्छे से मिला देता हूँ। गाइस काफ़ी संभाल के मिलाना है इसे, अगर इसे हमने ज़्यादा तेज़ से मिलाया तो इसके अंदर पता है बहुत तेज़ फायर पकड़ लेता है, आग पकड़ लेगी इसके अंदर और बूम हो जाएगा, फिर मत बोलना कुछ और। तो फटाफट से इसको मिलाते हैं। गाइस तो देखो टोटली इस मिक्सर को हमने मिला लिया है। मिलाने के बाद देखो इसे मैं अभी वापस इसे बीकर में डाल देता हूँ। एकदम अच्छे से टोटली यार इसे मिक्स कर देना है, और इसे रखते हैं अभी साइड में। अब क्या करना है यार, इसकी बॉडी बनानी पड़ेगी अपने को। इसके अंदर देखो अपने पास इसका जो फॉर्मूला था बन गया अपना, जो हमें बनाना था बन गया, यही अपना देखो यही डलेगा रॉकेट के अंदर। और इसे हटाते हैं यार, अभी इस बॉडी के अंदर हमें डालना है इस मुल्तानी मिट्टी को। तो भाई मैं अभी नीचे देखो नीचे आ गया, क्योंकि हमें इसे इसके अंदर डाल के ठूकना भी तो है। तो सबसे पहले यार इसके अंदर थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डालते हैं, और ऐसे ही रखना नीचे। और कुछ इसके साइज़ का आपको ले लेना है, मेरे पास अभी तो मार्कर तो मैंने इसके साइज़ का मार्कर ले लिया है। और इसे ऊपर से आपको ठकाटक ठोकना है इसे बस, ताकि ये नीचे से एकदम टाइट हो जाए और भाई इसके अंदर अपना हम माल भर सकें। और गाइस कोशिश करना कि जो आप ये पाइप लो ना वो थोड़ी मोटी हो। थोड़ा सा और डालते हैं, एकदम अच्छे से आपको टाइट कर लेना है ताकि गिरे ना। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। कैसे देखो तो अंदर से काफ़ी यार टाइट हो चुका है, और यार पीछे से भी देखो काफ़ी यार टाइट हो गया है। अब भाई इसके अंदर हम डालेंगे अपने मिक्सर को। गाइस देखो इसके अंदर हमने मिक्सर डाल दिया अपना, मिक्सर डालने के बाद भी इसे दोबारा से टाइट कर देंगे अच्छे से। देखो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना चाहिए ना। और जब इसे टाइट कर लेंगे तो इसे टाइट करने के बाद भाई अपने को डालना है इसके ऊपर से दोबारा मुल्तानी मिट्टी को। तो अभी इसके ऊपर मिट्टी डालते हैं और फिर इसे कूट डालो अच्छे से, टाइट करो यार इसे, यहाँ से टाइट करना है इसे, मतलब दोनों साइड से टाइट होना चाहिए ताकि अपने अंदर का मिक्सर यार जल्दी निकले ना इसके अंदर। गाइस फाइनली देखो यार, इतने चीज़ करने के बाद इस साइड से कवर हो गया है और नीचे से दब दब के यार अपने आप कवर हो गया। देखो बन गया, और ये काफ़ी अच्छा भारी भी है ये। तो अब क्या करना है इसके साथ हमें, इसके अंदर अभी आपको कील के मदद से यार छेद करना है। देखो कुछ ऐसे,
और भाई इसके अंदर अभी आपको देखो ये पटाखे वाले जो फ्यूज़ आते हैं ना, ये देखो ये पटाखे वाले फ्यूज़ है ना भाई, इसको इसके अंदर घुसेड़ दो, बस बस ऐसे ही डाल देना आपको। मैं दो फ्यूज़ डाल रहा हूँ इसके अंदर यार, और वापस इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी डाल रहा हूँ। और भाई फिर से इसे हल्का सा खींचता हूँ ताकि इसके अंदर स्पेस बन जाए और अच्छे से जब ये जले तो अंदर तक जा सके। तो बस गाइस देखो ये रेडी हो चुका है, अब इसे गिरा देते हैं ताकि अपना फ्यूज़ अच्छे से जल सके और नीचे भी ना गिरे। देखो हो गया ना, अब देखो ये तो रेडी हो गया है, अब क्या करना है इसके साथ, चलो टेबल पर बताता हूँ। गाइस चलो आपको थोड़ा सा रिएक्शन दिखाते हैं कैसे इसका रिएक्शन होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला, अभी इतने के साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा। ये री माचिस, गाइस देखो गाइस सिर्फ इतने से फ्यूल ने, देखो सिर्फ इतने से फूल ने आपको देखो कितना मस्त चीज़ कर दी यहाँ पे। देखो एकदम अलग सी चीज़, ये देखो अभी भी जल रहा है, ये देखो काफ़ी गर्म है, काफ़ी गर्म। तो अभी अपनी रॉकेट उड़ाने की बारी है गाइस। यार देखो अपना रॉकेट बन चुका है यार, देखो हमने यहाँ पे पाइप लगा दी, यहाँ पे टेप लगा दी और अंदर देखो अपनी फ्यूज़ लगी पड़ी है, एकदम मस्त रॉकेट बन चुका है यार। अभी चलेंगे यार इसकी टेस्टिंग के लिए, तो यार फिर चलो लेट्स ग्रो। अभी गाइस देखो यार अभी हम छत पे आ गए और यार देखो यहाँ पे हमने कैसा सिस्टम बना रखा है यार, यहाँ पे हम रॉकेट लगाने वाले हैं अपने। और भाई अपना रॉकेट तो देखो यार, रॉकेट अंदर क्या कर रहा है भाई, हमने देखो यार छोटी सी पाइप लगा दी यार इसके अंदर हल्की सी, ताकि उसके अंदर हम इसे अच्छे से फिट कर सकें और रॉकेट यार अपना स्ट्रेट जाए। तो फटाफट से देख लो यार इसे और इसके अंदर लगाते हैं इसे, और अब आ रही है भाई इसके अंदर आग लगाने की। तो लाइटर अपना रेडी है, चलो फिर अब लगाते हैं इसके अंदर भाई, इसके पिछवाड़े में आग लगाते हैं। ये अपनी लग गई आग, और यहाँ से भागो 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 भागो, और अभी देखना भाई अपना रॉकेट कैसे उड़ता है यार। ये गाइस